kaydederir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. Güler arkandan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan. Okey, 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 okey. मैं थक गई हूं उमर. बहुत थक गई हूं मैं कुछ नहीं कर पा रही. मेरी तरफ देखो. चलो बताओ. रिलैक्स होकर बताओ कि क्या बात है. मेरे लिए चाय बना दोगे? हाँ हाँ बना दूंगा मैं. अगर भूख है तो कुछ ऑर्डर करूँ? नहीं नहीं बस चाय. तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ. बैठकर बातें करना चाहती हूँ. अब बताओगी? डेफनी क्या हुआ? अगर हम बात ना करें तो बस ऐसे ही चुप बैठे रहे. तुम्हें बहुत मिस किया मैंने. हर वक्त तुम याद आते रहते हो. मेरे अपनी सोच पर काबू ही नहीं रहता. बस ये सोचती रहती हूं कि तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम्हें दर्द ना हो. बगैर कुछ पूछे बगैर कुछ सोचे तुम्हारा ही ख्याल रहता है हमेशा कि तुम कैसा फील करते हो. और तुम बगैर कुछ किए भी हमेशा मेरे पास रहते हो, मेरे बहुत करीब. मैं चाहती हूँ खुश हो. बस ऐसे ही अपने दिमाग में तुम्हारे ख्याल लाती रहती हूँ. क्या करूँ मैं? ये लम्हा भी उन्हीं लम्हों में से एक है. जिंदगी वक्त दिल चाहता है सब रुक जाए, सब कुछ दरवाजे के पीछे रह जाए. ठीक है डेफनी, जैसा तुम चाहो.
हाँ क्या हुआ नानी? हाँ हाँ सही कहा आपने, ठीक है मैं एक घंटे बाद आ जाऊंगी। नींद आई? कितनी अच्छी नींद आई यार, कसम से बहुत टाइम से इतनी अच्छी नींद नहीं आई थी। डेफनी एक बात पूछूं, ये तुमने रोस्टीनी वाली रिंगटोन लगाई है ना? हाँ, तुम्हें पसंद है इसलिए। बाद में फिर तुम्हें पसंद ना आए शायद इस वजह से बदल दी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि ये मुझे पसंद है? मुझे पता चल गया बस, छोड़ो ना। डेफनी, मैंने तुम्हारी नानी को कॉल की थी। मुझे पता है, थोड़ी सी रिसर्च कर ली तुमने। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। उफ, मैंने भी सर्च किया लेकिन मुझे पता नहीं चला। तुम अभी भी रिसर्च करने में लगे हो ना, तुम यानी जानकर ही रहोगे। हाँ हाँ डेफनी, बेशक चाहो तो तुम बता सकती हो अभी इसी वक्त, या फिर मैं वो सोच लूं इस वक्त जो मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या हो सकता है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? मसलन मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें कहा कि मुझ पर छोड़ दो, मत सोचो मत पूछो, मुझ पर यकीन करो। तुम क्यों गैस कर रहे हो, छोड़ दो ना यार। ठीक है सही हो तुम, मैंने तुम्हें दुखी किया, लेकिन प्लीज अब ये मैटर छोड़ दो। तुम नहीं बताओगी या फिर बताना नहीं चाहती? ना तो हमारी कोई भी बात शुरू हो रही है और ना ही खत्म, लगता है बीच में खड़े हैं हम दोनों। और तुम कह रही हो सब कुछ मैं तुम पर छोड़ दूं, तुम पर यकीन कर लूं। जो भी कह रहे हो सही है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं भी बोलूं। अब मेरा जाना जरूरी है, शुक्रु को कॉल करता हूं, वो आ जाएगा। मैं जब तक सारे सवालों का जवाब नहीं दूं करीब नहीं आऊंगी तुम्हारे। आ जाइए। डेफनी तुम बिजी तो नहीं? हाँ नाजली जान आओ ना। हमेशा मैं आती हूँ तुमसे मिलने, तुम कभी मत आना। अरे नहीं यार, बस काम वगैरह में बहुत मसरूफ रहती हूँ। देखो मैं क्या लाई हूँ, तो ना बहुत अच्छी बात है। और बताओ क्या हाल है? सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला यहाँ। लेकिन हमारे बॉस बहुत घूम रहे हैं आजकल, अगले हफ्ते भी कहीं जा रहे हैं। कौन बॉस? सिनान सर और उमर सर। अगर तुम अलग ना होती तो वे यकीनन तुम्हें साथ लेकर जाते, हमें तो कोई लेकर जाएगा नहीं। एक मिनट, वैसे क्यों जा रहे हैं ये लोग मिलानो? इसका तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, तुम वहाँ होती तो जरूर पता होता।
नाजली जान, बस वही तो नहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जितना मुझे पता है। मेरी जान, वो यार वैसे भी बॉस है ना, बॉस वगैरह तो जाते ही रहते हैं, हमें क्या है, जा रहे हैं दोनों लोगों को, वैसे भी काम होगा कोई ना कोई, है ना। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया बिस्किट के लिए, जरा काम है। लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं, मैं जरूर आऊंगी, बहुत बिजी हूँ ना, अभी काम करना है मुझे। चलो तुम अभी जाओ, बाद में मिलते हैं, ठीक है ना, बाय बाय। कॉफी का वक्त है, अभी मिल जाएंगे क्या? कैसे उमर सर? जी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। मिलाने जा रहे हो? हाँ जी हाँ। ज्यादा दिनों के लिए? क्यों जा रहा हूँ ये पूछना पसंद नहीं करोगे? मतलब वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा मतलब उससे कुछ नहीं था, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ क्यों जा रहे हो। बस ऐसे ही। वापसी कब लौटूंगा ये नहीं मालूम। ज्यादा मत रुकना प्लीज, मुझे याद आई, माफ करना, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो कैसे बन गया एकदम से प्लान, मतलब एकदम अचानक से, कुछ है क्या वहां पर? मैं तुम्हें ये सब बातें नहीं बता सकता, सही नहीं है। तुम उस कंपनी की वर्कर हो, तुम्हें जो पता होगा वो तुम्हें यास्मीन को बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही कहा, ठीक है मत बताओ। अच्छा लेकिन वो बस तुम दोनों है ना? हाँ बस मैंने सुना है, वैसे ही शोर होने के लिए पूछ रही हूँ। जिसका तुम सोच रही हो वो नहीं चाहेगी। ओह, मतलब वैसे भी लड़की वगैरह का वहाँ कोई काम नहीं है ना, क्या करेगी वो? क्या कहा तुमने? मतलब मेरी जान घर से दूर। वो जगह अच्छी है ना, वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल, एक साल से नहीं किया, हम दोनों जाएंगे एक साथ। खैर छोड़ो, जाने दो, हम एक साथ जाएंगे, हमने कहा था पहले। मेरे ख्याल में हम जाएंगे ना, तुम बताओ मुझे। मेरे ख्याल में शायद, वो दिन जरूर आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो, है ना? ठीक है। खैर, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहती, वैसे भी आजकल तुम्हारा दिमाग काफी टेंशन में चल रहा है। चलो बाय। हाँ ओके बाय। देखो Yes. क्या हुआ? मैं तुम्हारी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब ये सब क्या है? फैन भी हूँ और तुमसे मोहब्बत भी करती हूँ मैं। मतलब तुम जैसे हो उस पर फैन होना तो बनता है ना, बस इसी वजह से फैन हूँ तुम्हारी। किसी को भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की इजाजत नहीं दूंगी मैं, क्योंकि तुम परफेक्ट हो, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। मेरे बारे में ये सब बताने का आपका बहुत शुक्रिया।
वैसे मेरे बारे में ये सब ख्याल कैसे आ गया? गालो। हाँ। ओके, ठीक है, चलो। मतलब हर किसी की अपनी एक राय होती है। मैं बस उसका ओपिनियन लेती हूँ जिसका। आराम से बात करते हैं। यार मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई? उमर को कुछ भी बोल देगा, मतलब वो होता कौन है तुम्हें ना पसंद करने वाला? तुम उमर हो, तुम सबसे अच्छे स्टाइलिस्ट हो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। बहुत स्वीट लग रही हो ऐसे। ए, मैंने नहीं बोला मेरी जान, मतलब मैं भूल गया। तुम तो जानते हो मेरी याददाश्त कैसी है। कभी कभी तो मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूं अपना। कोरे अब बस करो, जो होना था वो हो गया। देखो तुमने कितने आराम से कह दिया जो होना था हो गया। मतलब क्या है कहने का तुम्हारा? तुम काम परफेक्ट करते हो, लड़कियों को तुम्हारे शूज पहनना पसंद है। आराम से आराम से। मेरी जान मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ गालो ने बोला है, मेरी तो लाइफ ही अलग है। गालो भी एक ब्रांड है, वैसे तो उमर भी है, लेकिन मेरी जान इतना कुछ निकल रहा है उसके लिए कि बता नहीं सकता। कोरे सर मैं कह रही हूँ ना, जरा थोड़ा आराम से बात करें, खामोश हो जाएं बस अब आप। मेरी जान मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन तुम किस किस को चुप कराओगी? वैसे ही पूरे ऑफिस में सबको पता चल गया होगा। और इनको देखो कह रही है मुझे कि चुप रहो कि किसी को पता ना चल जाए। मैं सच कह रहा हूँ बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती, वो तो मेरी अक्ल ने हमें बचा लिया है। गीबत पसंद करते हैं लोग। बस करो। मेरी जान अब तुम्हें क्या क्या बातें बताऊँ मैं, क्या करेगा बेचारा, बहुत सख्त इंसान है, क्या करेगा। तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं एड फिल्म की शूट के लिए गया, वहाँ पे जाकर देखा तो पता चला कि प्रोड्यूसर ही गायब था, सब काम मैंने खुद किया। इतना जीनियस जो हूँ मैं, सोच रहा हूँ अब कोई बड़ी फिल्म बनाऊँ। अपनी कोई फिल्म बनाता हूँ तो उसके अंदर सलमान खान करूँगा। हो सकता है इस फिल्म की हीरोइन से सलमान को प्यार हो जाए और वो दोनों शादी कर ले, और इस तरह सलमान शादी कर लेगा। शादी के बाद अगर वो अपनी बीवी को एक्टिंग की इजाजत देगा तो मैं उन दोनों को लेकर एक फिल्म प्लान करूंगा। तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? हाँ मैं उस फिल्म का नाम रखूंगा हम कितने बेवफा निकले सनम। हाँ ये नाम बहुत अच्छा है, वैसे तो इससे मिलता जुलता हुआ एक नाम है, लेकिन इसकी बात जरा हटके है क्योंकि ये मैं बना था। और तुम्हें तो पता है जो काम मैं करता हूँ कितना परफेक्ट होता है। आराम से आराम से, पानी पियो। माफ करना, बैठो ना, क्या हुआ है? क्या तुम सीरियस हो? क्या पता, और मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि हम साथ नहीं हो पा रहे। तुम्हें ऐसी बातें बोले जा रहे हैं सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको दिखा देते हैं। मतलब उनको क्या, वो होते कौन है तुम्हें कुछ बोलने वाले? किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का। कसम से दिल चाह रहा था कि मुंह तोड़ दूं उनका। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? मतलब हम एक साथ रह पाएंगे क्या? कसम से मेरी तो मत पूछो, वैसे भी मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तुम अकेले रहते हो। असल में ऐसे वॉशरूम में मेरे बाल देखकर पागल हो गए थे ना तुम, याद है तुम्हें? क्या पता कि नहाने के लिए मैं जाऊं और तुम्हें वेट करना पड़े, समझ रहे हो तुम? तो तुम बताओ। मुझे क्या पता, यूं घर में अकेले रहना सीरियस मसला हो। हाँ ऐसा ही है। उमर तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था ना, मतलब अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम आज साथ होते, हम शादीशुदा होते ना उमर।